और आज यहाँ पर देखिए स्पेशल गेस्ट आया हमारी रसोई में, एक बंदा और भी था ना यहाँ। तो किसको बुलाएं? ये देखिए पीछे टपा टप टपा टप पानी पानी। हम लोग आए हैं आज बुरवा गांव में। हो जान दे फिर त्यार। पूरे ऊपर ने भी आ गए। डीपी तेल पे ठंडा। ये हैं बुरवा गांव के अरवाज खान। सौरव जी कैसे हैं आप? क्या करें आप? कौन सी चाय आई है? सिंपल वाली? दूध वाली? दूध वाली। अच्छा अच्छा। अंकू पंडित क्या करें आप? पंडित जी अरे शर्माते ही बहुत है। ओह डीपी साहब उठ गए आप? तो थके तो नहीं ज्यादा काम करके? थके बैठो ना फिर। बंदे थोड़े कम कम लगा रहे हैं पूरा भाई। क्या करें अब? एक बंदे की और जरूरत है यहाँ पे। हाँ जी एक बंदा और चाहिए था ना यहाँ। तो किसको बुलाएं? ब्रोकर साहब उनसे करेंगे डिस्कशन है। पांच बंदे की जरूरत थी, चार ही कर दी है। अच्छा चार क्या तीन ही रखो, एक तो है ही नहीं, एक को तो बस ब्लॉगिंग का ही काम है। वाह बस भाई बस। कितनी दही पानी आज दही की रसोई बनाई है। ये देखिए पीछे टपा टप टपा टप पानी पानी बेटा। काफी अच्छा बना है, टेस्टी बना है शायद। मीठे चावल और बाकी की रसोई। डिप्पी का भी सोने का भी जुगाड़ हो गया है कुछ लगता है, ये सोता बहुत ज़्यादा है। अंकुर सौरभ लगे हैं फोन में। चने और फूल गोभी का मदरा बना है यहाँ पे। राजमा माश कड़ी मीठे चावल। ये मेरे पीछे चेरी का पेड़ है, फिलहाल चेरिया खत्म है, पेड़ थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। अग्नि भोग हमारा जो है वो हो गया है, लग गया है। और जो अंदर इनके जो घर मालिक होते हैं उनके कुल देवता के पास जो भोग लगना है वो भी लग गया है। और अब थोड़ा हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद खाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आए हैं आज बुरवा गाँव में, और मेरे ठीक साथ में एक पानी की छोटी सी नहर है, देखिए कुल जिसे हम कहते हैं। ये इमरजेंसी के लिए बनाई है, जैसे कि अगर बाई चांस कभी गांव के बीच में कोई आग उग की कोई घटना घटती है तो उसके लिए ये स्पेशल नहर बनाई गई है। ये गांव के बिल्कुल बीचों बीच से गई है और कभी भी इमरजेंसी में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो ये नहर पानी की ज़रूरत पूरी करता है। ये बारिश कंटिन्यू कम से कम 12 घंटे से कंटिन्यू चली हुई है और काफ़ी मुश्किल हमें रसोई बनाने में भी हुई इसकी वजह से, क्योंकि जहां हम रसोई बना रहे हैं वहां नीचे मिट्टी है तो वहां पर काफ़ी पानी भर गया है, तो हमें रसोई बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगी बारिश, हल्की हल्की बारिश लगी है कंटिन्यू। और आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी में मोबाइल में कि इस बारिश ने हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। तो चलिए अब देखते हैं, अपनी रसोई की तरफ चलते हैं। थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ तो घूमने फिरने आ गया था तो सोचा ब्लॉग भी बना लिए छोटा सा। उठो भाई जी उठो। ओके सुते हो? 3 घंटे हो गए कसम से, सोए सोए ऐसे कैसे सोना।
ऐसा ही कोई बहुत बड़ा हो गया। अरे बुरे हालत है ना। ये हमारे पास एक और व्लॉगर है जो अपने सब्सक्राइबर को दिखा रहे हैं कि क्या क्या बना है हमारे पास। रसोई के बिल्कुल साथ एक सेब का बहुत ही खूबसूरत बागीचा भी है। चलिए वहाँ की सैर करवाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए स्पेशल गेस्ट आए हमारी रसोई में। कौन है ये? ओ, ये तो केशव है। स्पेशल गेस्ट है आज हमारे रसोई के। क्या हुआ? जो ये वाला पेड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। जैसे एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी बना दिया गया है। हर टहनी में एक अलग कलम लगाई गई है जिससे ये इसकी पूरी वैरायटी ही चेंज कर दी है। यहाँ कुछ एक इस तरह के बड़े बड़े पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। मेरे चारों ओर सेब के ही बागीचे हैं और यहाँ पर सुनने में आया कि कई ट्रक सेब के निकलते हैं सीजन टाइम। अभी कुछ समय बाकी है सेबों के लिए। अभी साइज़ भी थोड़ा बढ़ेगा और कलर भी थोड़ा आएगा अच्छा, उसके बाद ही इसने मार्केट में बेचा जाएगा।